ये 9 बातें किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। एक गुरु की 3 सीख हैं। एक बार की बात है, गुरुकुल में पढ़ने वाले विद्यार्थी 12 वर्ष तक गुरुकुल में रहकर विद्या अध्ययन करने के बाद अपनी शिक्षा पूर्ण कर घर लौटने वाले थे। गुरु भी सब इस बात से बड़े प्रसन्न थे कि आज सभी बच्चे शिक्षा पूर्ण कर अपने अपने घर लौटेंगे। गुरुकुल का एक नियम अभी निभाना बाकी था। वो नियम था सभी घर लौटने वाले विद्यार्थियों के लिए एक आखिरी शिक्षा जिसे वे अपने जीवन में धारण कर सकें। सभी आचार्य गणों ने सभी बच्चों को एक स्थान पर बुलाया। सभी विद्यार्थी गुरु के आज्ञा अनुसार एक स्थान पर एकत्रित हुई। तभी गुरु जी अपने हाथ में लकड़ी की 3 मूर्तियां लेकर आए और सभी छात्रों से कहा कि आपको इन 3 कठपुतलियों में अंतर बताना है कि इनमें भेद क्या है। अब तो सभी विद्यार्थी उन कठपुतलों में अंतर ढूंढने लगे। वे 3 पुतले लकड़ी से बने हुए एक समान दिखते थे। अब तो सभी छात्रगण हैरान थे कि आखिर इनमें क्या अंतर हो सकता है, दिखने में तो 3 एक जैसे मालूम पड़ते हैं। तभी कुछ विद्यार्थियों ने ध्यान से देखा तो उन्हें पता चला कि एक कठपुतले के कान में एक छेद था, दूसरे कठपुतले के दोनों कानों में छेद था और तीसरे कठपुतले के एक कान में छेद था और एक मुंह में छेद था। बच्चे कहने लगे, गुरुदेव हमने पता कर लिया है कि इन कठपुतलों में आपस में क्या अंतर है। एक पुतले के एक कान में छेद है, दूसरे पुतले के दोनों कानों में छेद है और तीसरे पुतले के एक कान में और एक मुंह में छेद है। गुरुजी बोले, आप सभी ने सही अंतर समझा। अब गुरु ने सभी विद्यार्थियों को एक पतला सा तार देते हुए कहा कि देखो यह तार आपको कठपुतलों के छिद्रों में डालना है। सभी शिष्यों ने वैसा ही किया। पहले पुतले के कान में जब तार डाला तो वो दूसरे कान के छिद्र से बाहर निकल गया। दूसरे पुतले के कान में जब तार डाला तो वो कान से होता हुआ मुंह से निकल गया और तीसरे पुतले के कान में जब तार डाला तो वो कान में घुसा तो पर कहीं से निकला नहीं। गुरुजी ने बताया, हे पुत्रो, संसार में आपको इन 3 कठपुतलों की तरह ही लोग मिलेंगे। पहला कठपुतला जिसके दोनों कानों में छेद है वो हमें ये बताता है कि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपकी बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देंगे। आप ऐसे लोगों से कभी भी अपनी समस्या साझा ना करें। आपकी समस्या से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे हैं और क्या हैं और किस मुश्किल का सामना कर रहे हैं। अक्सर ये होता है कि जब भी हमें कोई मिलता है तो हम उसे अपनी परेशानियां बताने लगते हैं। कभी हम अपने परिवार से जुड़ी बातें कहते हैं और कभी आस पड़ोस की कि हमारे आसपास क्या घटित हो रहा है उसके बारे में। परंतु जिसे हम बता रहे हैं उसे आपकी परेशानियों से कोई मतलब नहीं। वो खुद चाहता है कि उसकी कोई समस्याएं सुने। ऐसा व्यक्ति आपकी बातें सुनता तो है पर उन बातों को वहीं पर छोड़ जाता है। वो ये सोचता है कि कब इसकी बात खत्म हो और मैं यहां से चलता बनूं। जिसकी नजरों में हमारी बातों का कोई औचित्य ही नहीं तो ऐसे लोगों को अपनी समस्याएं सुनाने से क्या फायदा। अब दूसरे पुतले को दिखाते हुए गुरु ने कहा, पुत्रो, इस दूसरे पुतले का अर्थ है जिसके एक कान में और एक मुंह में छेद है। संसार में आपको ऐसे लोगों से भी वास्ता पड़ेगा जो आपकी बात को सुनकर दूसरे लोगों से जाकर कहेंगे। हमें ऐसे लोगों से भी बचकर हमेशा दूर रहना चाहिए जो आपको झूठा मित्र बनाकर आपकी किसी भी तरह की बातों को सुनकर या तो वो आपको मूर्ख समझते हैं या फिर शत्रु। जो लोग आपकी गुप्त बातों को दूसरों से साझा करते हैं उन्हें आप अच्छा नहीं कह सकते। होता क्या है कि कई लोगों के बीच हमारी गुप्त बातें पहुंचने से हमें हंसी का पात्र बनना पड़ता है और हमारा अस्तित्व कमजोर पड़ता है। हम और लोगों की नजरों में तुच्छ लगने लगते हैं। इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी महत्वपूर्ण बातें दूसरों के सामने ना कहें, क्योंकि कभी कभी हम बातों ही बातों में सामने वाले को समझे बिना उसके सामने बहुत कुछ ऐसा बोल देते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए। विद्वानों ने तो यहां तक कहा है कि इन 9 विषयों को अत्यंत गुप्त रखना चाहिए। आयु, धन, घर के दोष, मंत्र, मैथुन, औषध, दान, मान और अपमान। दुनिया में ऐसे लोग भरे पड़े हैं कि आपने अपनी बात बताई नहीं कि दूसरे लोगों में उसकी चर्चा पहले से ही होने लगती है। इसलिए ऐसे लोगों से बचें। अब गुरुजी ने तीसरा पुतला दिखाते हुए कहा, पुत्रो, जिस पुतले के सिर्फ एक कान में छेद है उसका अर्थ है
कि संसार में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं, उनसे किसी भी तरह का विचार विमर्श कर सकते हैं, अच्छी या बुरी सलाह ले सकते हैं, अपनी निजी जीवन की बातों को साझा कर सकते हो। जो लोग आपकी बातों को महत्व देते हैं और सुनकर केवल अपने तक ही सीमित रखते हैं, आपको एक अच्छा सुझाव भी देते हैं, ऐसे लोग ही आपकी ताकत बनने के योग्य होते हैं। ऐसे लोगों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। कहते हैं, जिसका मन दूसरे मित्र के दुख से सदा बेचैन हो जाता हो, जो मित्र के अभीष्ट कार्य की सिद्धि के लिए यत्न करता है, जो मित्र की स्त्री धन और गुप्त बातों की समय पड़ने पर रक्षा करने वाला होता है, ऐसे पुरुषों के सामने ही अपने विचारों को प्रस्तुत करें। बंधु, यदि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।